होशियारी के सीजन टू में पूर्वी क्या जानबूझकर दया और अभिजीत को गुंडों के हवाले करने वाली है? क्या दया और अभिजीत पूर्वी के वजह से ही अगवा होने वाले हैं? लेकिन पूर्वी तो खुद एक सीआईडी अफसर है, वो दया और अभिजीत के नीचे काम करती है और उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करती है, तो फिर वो गुंडों को जानबूझकर दया और अभिजीत को क्यों सौंपने वाली है? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, बात करें अगर सीआईडी के इंस्पेक्टर पूर्वी की, तो पूर्वी जो है वो काफ़ी बहादुर सीआईडी अफसर है और अपनी जान की परवाह किए बिना वो हमेशा मासूम और बेगुनाह लोगों को बचाने में काम आती है। इस बार सीआईडी के सीजन टू में पूर्वी को एक फ़ोन कॉल आता है, जहाँ पर फ़ोन करने वाला पूर्वी को ये बताता है कि उसे दया और अभिजीत किसी भी कीमत पर चाहिए, नहीं तो वो 2000 लोगों की जान ले लेगा। तो इन 2000 लोगों को बचाने के लिए और सबको सुरक्षित रखने के लिए पूर्वी जो है वो दया और अभिजीत को उस गुंडे को सौंपने वाली है। लेकिन वो जो गुंडा था वो 2000 लोगों की जान आखिर कैसे ले पाता? क्या है इसके पीछे का गहरा राज? पता चलेगा हमें सीजन टू में।